में उससे अच्छी पुलिस को व्यवस्था नहीं दी, और व्यवस्था ऐसी दी है कि किसी गांव में किसी गरीब के यहां अगर कोई घटना हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, परिवार में झगड़ा हो जाए, पानी को लेकर झगड़ा हो जाए, उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था समाजवादियों ने दी, फोन मिलाने पर 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और मदद करती है और पीड़ित की। बताओ यहाँ पर फोन करने के बाद कितने घंटे में पुलिस पहुंचती है? बताओ साथियों, अगर घटना हो जाए, मारपीट हो जाए, गाली गलौज हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, पानी को लेकर के, मेड़ को लेकर के, खेत को लेकर, जानवर को लेकर के, बताओ कितनी दिन में पुलिस पहुंचती है? अगले दिन सुबह? सोचिए आप, उत्तर प्रदेश में समाजवादी अगर फोन करोगे 10-15 मिनट में पुलिस पहुंचती है, मदद करती है। ये काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने कर करके दिखाया। यही नहीं, हम लोगों ने सबसे बेहतर योजना बहन और बेटियों और माताओं के लिए दी है। इधर जब से ये मोबाइल आए हैं, और अगर हम मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें जो होम मिनिस्ट्री ने जमा किए हैं, सबसे ज्यादा अगर पीड़ित कोई है मध्य प्रदेश में तो हमारी माताएं बहने हैं, जिसमें दलित और आदिवासी ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षित देश में महिलाएं और बेटियां बहनें कहीं हैं तो वो मध्य प्रदेश में हैं। बताओ पत्रकार साथियों, ये आंकड़े बताते हैं कि नहीं बताते हैं आंकड़े? उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 10-90 दी मदद, और कहा कि अगर कोई बहन और उसको कोई परेशान कर रहा है तो बिना सूचना दे करके उस फोन नंबर पर शिकायत की जा सकती है, और पुलिस तब तक मदद करेगी जब तक वो व्यक्ति जो परेशान कर रहा है वो शांत ना हो जाए। अगर वो शांत नहीं होता है तो पुलिस कार्रवाई कर करके उसे जेल में डालने का काम करती है, लेकिन लड़की की आइडेंटिटी को नहीं बताते कि कौन बेटी है, किसको परेशान किया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।